हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जीके जीएस। जैसा कि दोस्तों आज आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का 15 जून के थर्ड शिफ्टों का एग्ज़ाम दोस्तों हो चुका है, तो आज दोस्तों इसमें पूछे गए कुल 45 प्लस प्रश्नों को दोस्तों आज हम देखेंगे तथा उसके उत्तर को मिलाने का प्रयास करेंगे, जो कि दोस्तों 100% रियल एंड ऑथेंटिक है। तो दोस्तों इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। आज का दोस्तों जो पहला प्रश्न है वह है कि अभिधम्म पिटक में क्या चीज़ के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों अभिधम्म पिटक है जो कि एक बौद्ध ग्रंथ है दोस्तों, इसमें बुद्ध के द्वारा जो शिक्षाएँ दी गई है उसको दोस्तों अभिधम्म पिटक में बताया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों कि आयरन की कौन सी और मतलब अयस्क में सबसे ज़्यादा आयरन मिलता है, तो वह दोस्तों आपका मैग्नेटाइट अयस्क में दोस्तों सबसे ज़्यादा आयरन हमें प्राप्त होता है। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि पोंगल त्यौहार में किस भगवान की पूजा की जाती है, तो दोस्तों जो पोंगल त्यौहार है उसमें दोस्तों आपका सूर्य देवता की पूजा की जाती है। अगला प्रश्न दोस्तों कि भारत के अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी के बारे में किस आर्टिकल में बताया गया है, तो दोस्तों ये आपका आर्टिकल 76 अनुच्छेद 76 के बारे में दोस्तों ये महान्यायवादी का जिक्र है। अगला प्रश्न दोस्तों कि एवोल्यूशन ऑफ अनटचबिलिटी मतलब छुआछूत से संबंधित कौन सा आर्टिकल है, तो ये आर्टिकल है दोस्तों आपका आर्टिकल 17। अगला प्रश्न है दोस्तों कि गोटीपुआ डांस मतलब किस राज्य से संबंधित है, तो इसका जो राइट आंसर है आपका दोस्तों ये है आपका ओडिशा। गोटीपुआ डांस का जो संबंध है दोस्तों आपका ओडिशा राज्य से है। अगला प्रश्न पूछा था दोस्तों कि तमिलनाडु के कोस्टल एरिया में एक फेस्टिवल मनाया जाता है, उस फेस्टिवल का क्या नाम है, तो दोस्तों उस पर ये इसका आंसर तो कंफर्म मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ये दोस्तों तीन ऑप्शन है, गंगा सागर चरक और चुन्नू पूर्णिमी। तो दोस्तों चुन्नी पूर्णिमी है वो लगभग थोड़ा सही लग रहा है, तो आप कमेंट करके बताइए किसका जो आंसर है वो क्या है। अगला दोस्तों कि इनमें से कौन सा नोबेल गैस नहीं है, चार ऑप्शन दिया गया था दोस्तों, तो उनमें से जो नियोन है दोस्तों वो आपका नोबेल गैस नहीं है। अगला प्रश्न दोस्तों कौन सा अयस्क है जो कि मेटल का नहीं है, तो दोस्तों लाइमस्टोन है। लाइमस्टोन मतलब चूना पत्थर है जो दोस्तों जो अयस्क मेटल का नहीं है। अगला प्रश्न पूछा था दोस्तों इकोनॉमिक से साथ जो कि मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, तो दोस्तों जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है ऐसी अर्थव्यवस्था को कहते हैं जिसमें दोस्तों गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट भी शामिल हो, उसे दोस्तों मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। अगला है दोस्तों कि हेनरी लॉरेंस के द्वारा कौन सा युद्ध लड़ा गया था, तो इसका इसमें जो दोस्तों चार युद्ध का नाम दिया गया था, पानीपत, बक्सर, प्लासी और चिनहट। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों आपका चिनहट है। अगला पूछा था दोस्तों कि रजिया सुल्तान गद्दी पर कब बैठा था, तो दोस्तों रजिया सुल्तान 1236 ईस्वी में दोस्तों गद्दी पर बैठी थी। ये दोस्तों मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी जो कि गद्दी पर बैठी थी। अगला प्रश्न पूछा था दोस्तों कि स्टडी ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ अर्थ इज कॉल्ड, इसका जो राइट आंसर है दोस्तों आपका सिस्मोलॉजी इज राइट आंसर है। अगला प्रश्न पूछा था दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन सी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है, तो चार ऑप्शन दिया गया था दोस्तों, इसमें जो आपका ब्यास नदी है वह दोस्तों सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है। अगला प्रश्न वहीं पर पूछा था दोस्तों कि रेसिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या है, तो दोस्तों रेसिस्टेंस का जो एसआई यूनिट है वो आपका ओम है। वहीं पर दोस्तों अगला प्रश्न पूछा था कि एल नीनो किस महासागर में आता है, तो ये दोस्तों आपका पैसिफिक ओशियन प्रशांत महासागर में दोस्तों एल नीनो आता है। अगला प्रश्न वही पूछा था दोस्तों कि साउथर्न मोस्ट पोर्ट भारत की कौन सी है, चार ऑप्शन दिया गया था, तुतीकोरन, मंगलोर, पारादीप और इन्नोर। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों आपका तुतीकोरन है जो कि तमिलनाडु में अवस्थित है। अगला प्रश्न पूछा था दोस्तों कि ओलंपिक में फ्लैग बीरर में मैरी कॉम के साथ कौन थे, तो दोस्तों मैरी कॉम के साथ आपका दोस्तों ये मनप्रीत सिंह जो भारतीय हॉकी टीम के कप्तान है वो दोस्तों मैरी कॉम के साथ थे। अगला प्रश्न पूछा था दोस्तों कि सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, तो सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया दोस्तों बेंगलुरु राज्य को कहते हैं। अगला प्रश्न पूछा था दोस्तों कि वर्ल्ड में फोर्थ नंबर पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री कौन सा है, तो ये दोस्तों आपका पॉपुलेटेड कंट्री है दोस्तों इंडोनेशिया। अगला प्रश्न पूछा था दोस्तों कि 14वीं शताब्दी में प्रसिद्ध कवि कौन थे, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों आपका मिर्जा गालिब है, वो आपका दोस्तों सही आंसर है। अगला प्रश्न पूछा था दोस्तों कि मलयालम कहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो मलयालम दोस्तों आपका बोला जाता है केरला में दोस्तों, ये केरला की ऑफिशियल लैंग्वेज है मलयालम। अगला प्रश्न वहीं पर पूछा था दोस्तों कि मेगास्थनीस किस देश का निवासी था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों आपका ग्रीक है, जो मेगास्थनीस चंद्रगुप्त दरबार के में आया था। इसका जो प्रसिद्ध पुस्तक है दोस्तों इंडिका है, जो कि प्रसिद्ध पुस्तक है इंडिका। अगला प्रश्न था दोस्तों कौन सी नदी पश्चिमी घाट में नहीं बहती है, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों आपका ताप्ती नदी है जो कि पश्चिमी घाट में नहीं बहती है। अगला पूछा था दोस्तों कि अहिल्या फोर्ट है जो किस नदी के किनारे हैं, तो ये दोस्तों आपका नर्मदा नदी के किनारे हैं अहिल्या फोर्ट। अगला पूछा था दोस्तों कि गेटवे ऑफ इंडिया के उद्घाटन के दौरान क्वीन मेरी के साथ कौन आया था, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों आपका जॉर्ज फिफ्थ,
है जो दोस्तों क्वीन मैरी के साथ गेटवे ऑफ इंडिया के उद्घाटन समारोह में भारत आया था। अगला है दोस्तों कि जियोस्ट्रिक फोर्स के साथ साथ कौन सा फोर्स अपोजिट लगता है, तो इसका जो राइट आंसर था दोस्तों आपका ग्रेविटेशनल और कोरियोलिस फोर्स है दोस्तों जो इसके साथ अपोजिट लगता है। अगला प्रश्न वहीं पूछा था दोस्तों कि कोलकली डांस किस राज्य में मनाई जाती है, तो ये दोस्तों आपका मनाया जाता है केरला में। अगला प्रश्न दोस्तों कि अमिताभ बच्चन को 2021 में कौन सा अवार्ड मिला था, तो दोस्तों अमिताभ बच्चन को 2021 में FIAF का अवार्ड से नवाजा गया था दोस्तों अमिताभ बच्चन को। वहीं पर दोस्तों कि अम्बेडकर आवास योजना कब शुरू की गई थी, तो ये दोस्तों आपका शुरू किया गया था अम्बेडकर आवास योजना 2001 ईस्वी को। वही अगला प्रश्न दोस्तों कि हॉकी टीम को 2020 में कौन सा अवार्ड मिला है, तो दोस्तों इसका तो उत्तर मालूम नहीं है लेकिन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दोस्तों हॉकी टीम के खिलाड़ियों को मिला था। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों आप कमेंट करके बताइए कि इसका जो एक्यूरेट सही उत्तर है वो क्या है। तो दोस्तों आज थर्ड शिफ्ट के इतना ही प्रश्न को दोस्तों आज हमें विद्यार्थियों के द्वारा प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों ऐसा लगा वीडियो, अगर अच्छा लगा हो तो ये वीडियो को लाइक कीजिए तथा दोस्तों में शेयर कीजिए तथा इस चैनल पर नए हैं दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।